Hi everybody, welcome to all of you on my channel Maths Topper. Today we are going to discuss very important topics in differential calculus. So that is applications of derivatives and chapter is maximum minima. Clear? So हम लोग यहाँ भी जो discuss कर रहे हैं NCERT book से, ठीक है, maximum minima का concept discuss कर रहे हैं. NCERT book इस exercise में जो questions है वो भी discuss कर रहा है, ठीक है. So my dear friend, यहीं पर जो topic है, so that is absolute maximum और absolute minima. देखो इन functions, ऐसा एक कोई functions है जब functions moving upward to downward होगा तो maximum value देगा एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू देगा. इन्हीं फंक्शंस देखो यहीं पे क्या ए, सो दैट मीन्स जब ऐसा सिचुएशंस होगा, ए लोकल मैक्सिमम दे रहा है, ए भी लोकल मैक्सिमम, ए भी लोकल मैक्सिमम, ये भी लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है. ये लोकल, सो दिस इज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, सो दिस इज लोकल मिनिमम. इन ए फंक्शंस यू कैन गेट सो मेनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू एज वेल एज लोकल मिनिमम वैल्यूज. इसका अंदर जो सबसे हाइट, ये जो हाइट है देखो, इस हाइट में सबसे ज़्यादा है, सो यू कैन से, यू विल से दैट दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, क्लियर. एंड जो सबसे छोटा है, सपोज लाइक दिस, ए सबसे छोटा है, सो यू कैन से, सो दिस इज, इस पॉइंट में तुम्हें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और क्या है, द लीस्ट वैल्यू, ठीक है. ये क्या था, ग्रेटेस्ट वैल्यू था, ए लीस्ट वैल्यू था, और यू कैन से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और यू कैन से एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है. जैसा हम देखो माय डियर फ्रेंड, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्स और एब्सोल्यूट मिनिमम एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, क्लियर. जैसे फर्स्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है. सो दिस इज वर्ड, ए क्या होगा देखो ना, एफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर. एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करो तो एक्स का वैल्यू तो जीरो हो गया, सो दिस इज जीरो. और जब इंटरवल गिवन होगा, इसको भी प्लॉट करोगे, एफ ऑफ, सो दिस इज एफ ऑफ टू है. अभी तुम्हें क्या करना है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है, ठीक है. एफ ऑफ क्या है देखो, टू का वैल्यू क्या है, एट है. एफ ऑफ माइनस टू का वैल्यू क्या है, माइनस एट है. ए क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है. ए क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है. ए मिनिमम वैल्यू था, ए दोनों का बीच में जो सबसे छोटा है, सो दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम, एंड जो सबसे बड़ा है, सो दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सो क्वेश्चंस टू है. क्वेश्चंस टू में क्या है देखो, एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, फोर माइनस टू एक्स है, सो दैट इज फोर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है. फोर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो करो, फोर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, सो दिस इज एक्स का वैल्यू टू है, सो दैट मीन्स ए क्या क्या हो रहा है देखो, इंटरवल क्या है, सो दैट इज माइनस टू, एंड सो दिस इज नाइन बाई टू, एंड सो दिस इज टू है. तो तुम्हें सबका वैल्यू फाइंड करना है. एफ ऑफ टू का वैल्यू क्या होगा, एट माइनस टू, सो दैट इज सिक्स है. एफ ऑफ नाइन बाई टू का वैल्यू क्या होगा, नाइन बाई टू मीन्स क्या, इस पर पुट करो, फोर टू, सो दिस इज एटीन, एंड हाफ इंटू एट्टी वन बाई फोर है, ठीक है. सो दैट इज वट, एट वन फोर्टी फोर माइनस एट्टी वन बाई एट है, सो दैट इज, सो दिस, एंड एफ ऑफ, एफ ऑफ माइनस टू है, माइनस एट, एंड सो दिस इज फोर बाई टू, सो दैट इज माइनस टेन है. तो ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें देगा एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है. एंड ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये तो सिक्स है, और ये सिक्सटी डिग्री सत्तर, ये एट सेवन या फिफ्टी सिक्स है, तो ये तुम्हें क्या देगा, सो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सो लाइक दिस, ऐसा करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है देखो, ऐसा करके एक बड़ा सा क्वेश्चंस को देख लो. सो दिस इज, जैसा ये क्वेश्चंस है फाइव है, क्वेश्चंस फाइव में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स फोर माइनस एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव. अभी इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, सो ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फोर्टी एट. सो ट्वेल्व कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर है, सो दिस इज ट्वेल्व. यहीं से देखो, एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे, एक्स माइनस टू है, एंड सो दिस इज टू कॉमन ले लो, एक्स माइनस टू है, सो दिस इज एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एंड सो दिस इज, ठीक है. अभी जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, नंबर लाइन पे क्या है, सो दिस इज टू है, सो प्लस एंड माइनस, ए तो तुम्हें क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, ए दे देगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स,
ठीक है। अभी ये सारे पॉइंट को आप फाइंड करोगे, देखो यहीं पे क्या है, 3 है, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, ना एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 16 × 3 = 48, दिस इज 64 है, एंड दिस इज 96 है, दिस इज 4 × 12, सो दैट इज 48 है, सो दिस इज 96 + 25 है। देखो ये सब तो कैंसिल हो गया, अब ये 25 से 64 घटाओ, सो दिस इज ए क्या है, ए पॉइंट ऑफ लोकल मीन है, ठीक है, क्लियर। एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 25 है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, सो दिस इज 81 × 3 = 243, एंड सो 27 × 7 = 8 है, सो दिस इज 9 + 12 = 108 है, एंड सो दिस इज 25 है, ठीक है। अभी ये सारे पॉजिटिव वैल्यू को इकट्ठा लिखो, सो दिस इज 25, 25 मीन्स क्या 76 है, अभी सो माइनस 360, सो दैट इज 16 है, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये तुम्हें एब्सोल्यूट मैक्स देगा, ठीक है, एंड ये पॉइंट क्या देगा, ये तुम्हें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देगा, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन एवर यू विल गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू विल प्रोसीड लाइक दिस वे। एंड क्वेश्चन 6 में क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x है, ठीक है। अभी क्या है, देखो f डैश x क्या होगा, 1 − 2 cos 2x है, अभी दिस इज इक्वल टू 0 करो, 1 − 2 cos 2x = 0, सो cos 2x = ½ है, ठीक है। अभी cos 2x = ½, ठीक है, सो हाफ कब होगा, सो 2x, x का जो वैल्यू है, ठीक है, यहीं पे एक कंडीशंस दिया 0 से 2π है, कॉस, सो दैट इज व्हाट 2x, कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है वहीं के बारे में सोचना है, सो दैट इज 2x = π/3 है, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, 2x cos θ = cos α, θ = 2nπ ± α, सो दैट इज व्हाट 2nπ ± दिस इज π/6 है। अभी n का वैल्यू जब 0 है, n जब 0 है, देखो एक π/6 भी मिलेगा, ठीक है, इन जब 0 है, सो इन जब 0 है तो एक्स का वैल्यू π/6 है। अभी इन जब 1 है, ठीक है, इन पॉजिटिव को खाली कंसीडर करना, इन जब 1 है, π + π/6 = 5π/6, एंड π − π/6 सो 5π/6, एंड सो दिस इज 7π/6। इन जब 2 है, सो दैट इज एक्स का जो वैल्यू है 2π − π/6, ठीक है, 2π − π/6 11π/6, ये सारे पॉइंट पे तुम्हें चेक करना है। अभी देखो ये क्या हो रहा है, एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ, सो दिस इज पहले π/6 हो गया, π/6, एंड यहीं पे क्या होगा, x इज π/6 मीन्स क्या π/3 है, सो दिस इज √3/2 है, एफ ऑफ 5π/6, सो दैट इज 5π/6, एंड 5π/6 ये भी क्या होगा, 5π/3 का मतलब क्या है, 5π + 2π/3, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी सारे तुम्हें ऐसा करके सबको चेक करना है, 7π/6, ठीक है, 7π/6 एंड 7π/3 पे नेगेटिव है, सो दिस इज एफ ऑफ 11π/6, एफ ऑफ 11π/6, एंड 11π/6 मीन्स कितना है, 11π/3 है, 11π/3 के लिए और नहीं चेक करना, 11π/3 देखो यहीं पे 2x है ना, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 11π/3 ये तो ज़्यादा हो गया, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 7π/3 ये भी ज़्यादा हो गया, सो तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये दोनों का बीच में चाहिए है, क्लियर। अभी पाई का वैल्यू क्या है, 3.14 × 6.5, ये क्या है देखो, सो दिस इज 0.5 + √3/2, √3 मीन्स क्या 1.7, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, देखो 0.5
एंड पॉइंट एट, पॉइंट एट ही सोच लीजिए, सो दिस इज़ 1.3 का आसपास है, ये क्या होगा 0.5, सो दिस इज़ 2.5 एंड सो दिस इज़ व्हाट 0.8 है, ठीक है ये 0.8, सो दिस इज़ एक्यूरेसी में क्या होगा तो सो दिस इज़ 0.87 है, ठीक है, सो दैट मीन्स 0.87, सो दैट मीन्स ए मैक्सिमम देगा एंड ई मिनिमम वैल्यू देगा, सो लाइक दिस, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू कैरी अ वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स व्हाट एवर हैव आई टोल्ड यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू बी अ टॉपर इन योर स्कूल, इन योर सेक्शंस, इन योर area, in your districts, in your city, as well as in your board, you have to understand the topics properly, else not possible. So it's my advice to all of you, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel, Math Stopper. That's all.